In this video, we are going to learn use of that as a relative pronoun. In Hindi, that को हम जो या जो की मानते हैं, और that का use हम किस प्रकार से relative pronoun में करते हैं वो देखेंगे आप. Rule के according start with interrogative pronoun. अगर आपका sentence इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के साथ स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हु हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया. विद एग्जाम्पल योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द कार, तो ये इंटेरोगेटिव है विच. सेकेंड में व्हाट इंटेरोगेटिव है, एंड थर्ड में हु. सभी सभी जितने भी आपको एग्जाम्पल दिए गए ये सभी सभी इंटेरोगेटिव है. तो विच इज द कार यू परचेस्ड, विच इज अ कार कौन सी है, दैट यू परचेज, जो जो आपने खरीदी. सेकेंड वट इज इट, वट इज इट क्या है ये, यू आर अफ्रेड ऑफ, दैट यू आर अफ्रेड मतलब जिससे आप डरते हो, दैट इंटरोगेटिव होने का फिर से हम यहाँ पे दैट का यूज करेंगे. थर्ड इज हु इज द मैन, हु इज द मैन व्यक्ति कौन है, दैट हेल्प्ड यू जिसने तुम्हारी मदद की. तो यहाँ पे तीनों तीनों आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउन लगे हुए हैं यहाँ पर, इसलिए हम दैट का यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैन है तो आप हु का यूज़ कर देंगे, नहीं, इंटरोगेटिव होने के कारण आपको यहाँ पे दैट का यूज़ करना होगा. अब चलते हैं रूल नंबर सेकंड पर. इसका सेकंड रूल नंबर है रूल नंबर आपका सेकंड जो है वो ये कहता है कि जो आपकी सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन अगर आपके सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, जैसा कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन में शी इज़ द बेस्ट गर्ल, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री है. यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन द बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई और गर्ल आपका नाउन हो गया. जस्ट उसके बाद यदि ब्लैंक स्पेस है तो आपको दैट का ही यूज़ करना है. ऐसा नहीं कि यहाँ पर ह्यूमन बीइंग दिया तो आप हु का यूज़ करेंगे. इन रूल्स का आपको ध्यान रखना होगा. शी इज़ द बेस्ट गर्ल दैट पास द एग्जामिनेशन, जिसने परीक्षा पास की. क्वेश्चन नंबर टू, मोहन इज माई यंगेस्ट सन, यंगेस्ट यंग यंगर यंगेस्ट, दिस इज ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री एंड देन Noun. So we will use here that. इसलिए हम that का use करेंगे. Mohan is my youngest son. Mohan मेरा youngest son है. That lives with me, जो मेरे साथ रहता है, सबसे छोटा बेटा. क्वेश्चन नंबर थ्री, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, तो यहाँ पे ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, दिस इज ऑल्सो सुपरलेटिव डिग्री. देन आफ्टर नाउन, सीमा इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल that studies in my school, जो मेरे स्कूल में पढ़ती है, studies. अब हम चलेंगे रूल नंबर थर्ड की ओर. ऐसे ही हमारा रूल नंबर नेक्स्ट जो है थर्ड है वो ये है कि अगर आपके सेंटेंस ब्लैंक स्पेस से पहले सेंटेंस के अंदर ओनली सेम ऑल नथिंग वर्ड्स आते हैं तो आपने दैट का यूज़ ही करना है. अब ऐसे कि हर ओनली सन, यहाँ पे सन है, ह्यूमन बीइंग है, तो ऐसा नहीं कि आप हु का यूज़ कर दें. हर ओनली सन मतलब उसका अकेला बेटा. That lives here, जो यहाँ रहता है, is an officer, एक officer है. तो यहाँ पे only के कारण हमें that का use करना, ना कि son के कारण आप who का use करेंगे. Question number टू, this is the same house, ये वही घर है. That she told, जो उसने बताया. Question number थ्री, he said all, उसने सब कुछ बता दिया. He all, यहाँ पे all है, यहाँ पे same है,
दैट ही न्यू, जो उसे पता था। ऐसे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नंबर 4, ही हैज नथिंग दैट कैन बी सोल्ड, उसके पास कुछ नहीं है जो बेचा जा सकता है। तो इसके अंदर ओनली वर्ड का यूज हुआ, इसमें सेम का हुआ, इसमें ऑल का हुआ, इसमें नथिंग का हुआ, इनके कारण दैट का यूज इनके अंदर किया गया है। ये ब्लैंक स्पेस से पहले वाले पार्ट के अंदर ही होना चाहिए। अब चलते हैं रूल नंबर 4th की ओर। आपका रूल नंबर 4th, थोड़ा इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग रहता है ये। जैसे कि आपके ये सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपके सेंटेंस में अगर यहाँ पर पर्सन की बात की गई है, किसी व्यक्ति की बात की गई, और साथ में किसी वस्तु या किसी एनिमल की बात, दोनों में से एक का होना जरूरी है, तो आप दैट का यूज़ ब्लैंक स्पेस में करेंगे। सेम थिंग, या फिर या तो पहले व्यक्ति होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, उसके बाद कोई वस्तु या एनिमल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इन दोनों में से, थिंग या एनिमल से पहले एक चीज़ होनी चाहिए, जैसे या तो थिंग हो या एनिमल हो, उसके बाद पर्सन है तो भी चलेगा, ठीक है, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन एक पर्सन एक थिंग इधर मिलेगा आपको, होना चाहिए। उसके बाद जो ब्लैंक स्पेस होता है उसमें दैट का यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, क्लियर करते हैं। द डॉग एंड हिज साइकिल, सॉरी द बॉय एंड हिज साइकिल, लड़का और उसकी साइकिल, यहाँ पे पर्सन है और यहाँ पर साइकिल है। द बॉय एंड हिज साइकिल दैट यू सी, जो आप देखते हैं ऑन द रोड पर, आर गुड, वह ठीक है, मतलब बॉय भी और साइकिल भी, दोनों के लिए यहाँ पे बात की गई है। सेकेंड, द डॉग एंड रमेश, यहाँ पर पहले डॉग आ गया है, या तो कोई वस्तु हो या एनिमल हो, तो दोनों में से एक है, उसके बाद पर्सन, ऐसे यहाँ पर पर्सन के बाद दोनों में से एक होना चाहिए, चाहे यहाँ पे एनिमल हो या कोई थिंग हो। यहाँ पे थिंग है, यहाँ पे एक एनिमल का एग्जांपल दे दिया है, तो द डॉग एंड रमेश दोनों में से एक है, इन रूल के अकॉर्डिंग हम दैट का यूज़ कर देंगे। द डॉग एंड रमेश दैट लिव्स इन दिस हाउस, ठीक है, जो इस घर में रहते हैं, आर फेथफुल टू ईच अदर, जो कि दोनों के लिए आपस में विश्वसनीय हैं। तो ये आपके दैट के 4 रूल्स हैं। जब इसको बार बार थोड़ा सा देखेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भी बचे हुए हैं, उनको समझाने के बाद फिर आपको एक्सरसाइज दी जाएगी, जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं आपको आंसर भी दूंगा।